हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ये जो क्लास होने वाली है, इस तरह से क्लास आपको मिलती रहेगी और बहुत बेस्ट क्लास, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो इस टाइम जो हम क्लास करें ना, ये आज की जो क्लास होने वाली वो होगा साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन, वो भी सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो आप
खाना है ना, तो खाना बनाने में विद्युत धारा कहाँ से जाएगा? वो तो चूल्हा पे जलाएंगे, गैस पे जलाएंगे, खाना बन जाएगा। हमको गर्म करना है डेक्ची पतीली को, तो गर्म करेंगे जल्दी, गर्म हो जाएगा जल्दी, जब गर्म जल्दी हो जाएगा तो खाना जल्दी बन जाएगा। तो ही बोला गया है इसी उष्मीय चालकता के कारण, मतलब इसमें जो गर्मी जल्दी हो जा रहा, जो बर्तन जल्दी गर्म हो जा रहा, इसी कारण जो है हम लोग एल्युमिनियम धातु का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने वाले बर्तन के लिए। अच्छा, लोहा का बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखे है कभी लोहा का बर्तन? बहुत जैसे लोहा का कढ़ाई जो होता है ना, पैन होता है, रास्ता है ना, फेफड़ा से निकल रहा गैस, फिर त्वचा, त्वचा से क्या निकलता? पसीना निकलता है, वेरी किडनी, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा किडनी उत्सर्जन का। किडनी से क्या निकलता है सर जी? किडनी से यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया,
है ना, ये सब जो है किडनी से बाहर निकलता छन करके, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे हमने इतना सारी बातें समझ लिया उत्सर्जन क्या होता है। अगला बोला गया भोजन में, पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए सिंपल सी बात, जो पेड़ पौधा होता ना उसे भोजन एक जगह से तो मेरे ख्याल से आपके भेजा में जल्दी हो जाएगा, क्या बोलते हैं। अब छठा हो गया, सतवा पढ़ते हैं। सतवा सवाल आता है मछली वाला, ये तो खैर आपको याद भी होगा लेकिन आप पढ़ लीजिए। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम बताइए, सवाल पूछा था एग्जाम में। अब मतलब मुख्य श्वसन अंग का नाम बताना है। देखिए तो पहले मछली लिखेंगे, मछली में क्या है, कुलोम, कुलोम इसको हम गिल्स भी कहते हैं। मछली में कौन सा श्वसन अंग है, कुलोम या गिल्स। या अब का कार्य भी बोल रहा, अंगों का नाम लिखने बोल रहा, चलो नाम श्वसन अंगों के नाम लिख रहा था, मैंने कार्य भी लिख दिया। अगर कार्य नहीं बोला तो कार्य मत लिखिएगा, ठीक है ना। आपसे देखो यहीं तक बोल रहा, मनुष्य मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखे, खाली नाम ही लिखने बोल रहा। तो मछली का लिख देंगे, मछली का कुलोम लिख देंगे, है ना, मच्छर का ट्रैकिया लिख देंगे, केंचुआ का त्वचा लिख देंगे, मनुष्य का फेफड़ा, इतना लिखना आपको। लेकिन अगर बोलेगा इसका कार्य भी लिखिए तो लिखना पड़ेगा या कुलोम या गिल्स से जल के घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करता है, मतलब जो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, मछली जो श्वसन करता है तो श्वसन में तो ऑक्सीजन चाहिए, तो मतलब पानी को ले रहा मछली,
क्रोम सेल देखिए लेगा बार बार लेगा फेंकेगा बार बार यहाँ से जो यहाँ पे लगा रहता है गलफड़ा जिसको बोलते हैं। तो पानी मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ है तो पानी में जो मिला हुआ ऑक्सीजन उसको लेता शोषण। फिर मच्छर का अगर ट्रैक किया या वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ट्रैक के द्वारा होता मच्छर वगैरह या मच्छर बोले या तिलचट्टा बोले या कीट फटिंगा बोले सब आ जाएगा ट्रैक किया तो वायुमंडल से लेता है। फिर केंचुआ तो भाई केंचुआ त्वचा से मुख्य रूप से त्वचा से भी लेता है हालांकि केंचुआ फेफड़े से भी लेता है लेकिन मुख्य रूप से त्वचा से भी शोषण करता है। तो केंचुआ त्वचा से लेगा इसमें गैसीय आदान प्रदान गैसीय जो है त्वचा से जो है गैस का आदान प्रदान होता है उसका त्वचा में जो थोड़ा सा छिद्र होता है केंचुआ के त्वचा केंचुआ है ना केंचुआ के त्वचा में क्या होता है मेढक भी त्वचा से लेता है सांस और केंचुआ भी त्वचा से सांस लेता है। फिर मनुष्य फेफड़ा से लेगा गैसीय आदान प्रदान फेफड़े के द्वारा होगा इसमें केंचुआ में गैस का आदान प्रदान चमड़ा के द्वारा होगा त्वचा के द्वारा होगा मेढक में भी चमड़ा के द्वारा होता है ठीक है। चलिए आगे बढ़ा गया प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं एकदम बउआ वाला सवाल पूछा है एग्जाम में पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे फिगर बनाइए तो आपको नंबर फुल मिलेगा जिसमें फिगर बनने को पॉसिबल उसको फिगर बना देना आपको। तो बोला गया प्रकाश का परावर्तन ना देखिए तो सिंपल जानते जब प्रकाश की किरणें एक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसी लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश गया टकराया और लौट गया प्रकाश की किरणें एक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है ये जो घटना हो रहा ये जो इंसिडेंट हो रहा है जो काम हो रहा इसी काम को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लियर। अब इसको लिखने के बाद एक फिगर बनाएगा इसे आपको पता है ये मान ले कि एक दर्पण लेते हैं और ये मान अवतल दर्पण लेते हैं यहाँ पे कलर कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि परावर्तन अवतल दर्पण से जब भी परावर्तन होगा दर्पण से होगा लेंस में परावर्तन नहीं होता लेंस में तो आर पार हो जाता है अपवर्तन होता है तो ये बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम देखिए यहाँ पे डालेंगे एक अभिलंब डालेंगे ठीक है ना अभिलंब डालेंगे और उसके बाद यहाँ से आएगा आपतित किरण और यहाँ से परावर्तित किरण हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है इसका नाम है देखो इसको बनाना फिगर जरूरी है ये आने वाली किरण है ना आपतित किरण और ये परावर्तित किरण परावर्तित किरण और ये क्या है भाई ये जो है अभिलंब क्या है ये अभिलंब है। तो यहां से आएगा तो प्रकाश अगर प्रकाश सीधा आएगा ना तो सीधे वापस चल जाएगा और यहां से टकरा के यहां से क्या होगा यहां से टकरा जाएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा। इसके बाद ये जो पॉइंट है ना पॉइंट इसको बोलेगा आपतन बिंदु आपतन बिंदु बोलेगे। उसके बाद एक और पॉइंट समझ लीजिए ये जो एंगल बना ना यहाँ पे जो एंगल इसको बोलते हैं आई मतलब इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण और ई वाला जो एंगल है आर है मतलब रिफ्रेक्टिव यानी कि क्या होता है रिफ्रेक्शन परावर्तित है ना तो मतलब ये परावर्तित कोण मतलब रिफ्रेक्टिव एंगल मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण। तो आपको ये वाला फिगर बना देना है तब आपको मिलेगा पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। दो नंबर का सवाल पूछता है तो है ये वाला ठीक है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं एम्पियर किसे कहते हैं देखिए एम्पियर किसे कहते हैं तो एम्पियर जस्ट लाइक एम्पियर किसका मात्रक भाई एम्पियर किसका मात्रक एम्पियर को ए लिखते हैं ये जो है विद्युत धारा का मात्रक है ना धारा का मात्रक एम्पियर है। तो विद्युत धारा का जो डिफिनेशन है ना उसी से डिफिनेशन इसका मिले जुलेगा। बोला गया क्या देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी बात है कि विद्युत आवेश कैसे प्रवाह हो रहा कितना सेकेंड से कितना आवेश प्रवाह हो रहा प्रति एकांक सेकेंड में पर सेकेंड में कितना आवेश जा रहा है इसी रेट को बोलते हैं विद्युत धारा ठीक है ना। और बोलते अगर टी सेकेंड उसी बात को इसी के बारे में बोला गया कि अगर टी सेकेंड में क्यू आवेश किसी चालक से प्रवाहित होती है तो धारा का फॉर्मूला क्या होगा धारा मतलब आई का फॉर्मूला क्या होगा क्यू बाई टी ठीक है। अब यहीं पे जो आई है ना आई क्या है विद्युत धारा यानी कि एम्पियर बोलेंगे और क्यू के आवेश यानी कि कूलाम बोलेंगे और टी का टाइम यानी कि सेकंड बोलेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या अगर प्रति सेकंड देखिए अगर प्रति सेकंड में एक कूलाम यहाँ पे सबको लिखते हैं एक कूलाम एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं क्या यहाँ पे लिखते हैं एक कूलाम एक सेकंड और एक एम्पियर। तो ये बोला गया यदि प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में एक कूलाम आवेश एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो इसी रेट को बोलेंगे क्या एम्पियर इसको क्या बोलेंगे एम्पियर बोलेंगे। तो अगर आपको ये नहीं लिखना तो मत लिखिए आप इतना भी लिख सकते हैं अगर प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश चालक से प्रवाहित होती है तो इस दर को बोलेंगे विद्युत एम्पियर बोलेंगे ठीक है विद्युत धारा के एम्पियर कहलाएगा। ओके यही तुम्हारा रहेगा इसका डेफिनेशन।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला सवाल पढ़ते हैं, ये आखिरी सवाल होगा। बोला गया है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। जिसकी आंखें सही है वो आदमी जो है ना 25 सेंटीमीटर से कम अगर रखेंगे ना तो देख नहीं पाएगा। मतलब ये देखिए, मान लेते कि मेरी आंख सही थोड़ा देर के लिए, हालांकि सही तो है नहीं, गड़बड़ा गया, तो मानते मेरी आंख सही है, सपोर्टेड है ना, तो 25 सेंटीमीटर तक हम सही देख लेंगे अगर सही आंख है तो। लेकिन अगर करीब लेंगे ना एकदम अकबक लगेगा, एकदम ये क्या हो गया भाई, एकदम अकबक लगेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो होता यह है ना कि जब 25 पे रखते हैं ना तो हमारा फोटो जो है रेटिना पे पूरा पूरी बनता है, और जैसी लाइन करीब तो रेटिना से फोटो रेटिना पे बन नहीं पाता है, मतलब वहां से क्या विचलित हो जाता है। तो ये बात करते हैं यहाँ पे, ये बात यहाँ पे क्या करते हैं, बोला गया है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं का आंख अस्पष्ट रूप से देखता है, हाँ देख लेता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना पर अस्पष्ट रूप से नहीं बनता है। कारण यही है, जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई फोटो कोई वस्तु रहता है तो उसका फोटो हमारे रेटिना पर कन्फर्म अस्पष्ट रूप से साफ सुथरा तरीके से बन जाता है, लेकिन जैसी अगर आगे करते हैं ना तो वो रेटिना पे फोटो नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से जो है वो अस्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। सिंपल सा बात है भाई, एग्जाम में पूछेगा सवाल, एकदम रगड़ के आइएगा। क्या बोलिए, आप लोग बना लीजिएगा ना, मुझे उम्मीद है सब लोग बना लीजिएगा। तो ये तो मैंने बात बता दिया, फिर से आ गया क्या, अच्छा फिर से रिपीट हो गया, चलिए ये बात तो मैंने बता दिया। अब बाकी आपको मैं बता दूं, अगर किसी को पेड कोर्स में जुड़ना है भाई, एक पॉइंट समझ लीजिए, अगर किसी को पेड कोर्स में जुड़ना है जहां पे आपको सभी चैप्टर का आपको नोट्स अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ का, आपको वीडियो मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, आपको लाइव क्लास होगा, फिर आपका टेस्ट होगा चैप्टर वाइज, ये सब काम होगा सिर्फ 299 एक बार देना, बार बार दे देना है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए है ना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी उर्दू इंग्लिश संस्कृत साइंस सोशल मैथ, सब आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा क्वेश्चन आंसर के साथ, और प्रीवियस मॉडल पेपर क्वेश्चन में सब मिलेगा है ना। तो आप जरूर जुड़ना ताकि बाद में एग्जाम के बाद पछतावा ना हो कि भाई हम जुड़े नहीं, काश जुड़ जाते, 300 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो खैर फिलहाल आपको अगर जुड़ना है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8810 42 32 00 है ना, इस पे मैसेज कीजिएगा। अगर नहीं भी जुड़ना है तो भी मैसेज कीजिए, सर ग्रुप में जुड़ दे, आप लोग के लिए जो नहीं जुड़ता है उसके लिए भी स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, और जो जुड़ जाता है उसके लिए एक अलग स्पेशल ग्रुप, ठीक है ना। तो जुड़िए, हमसे जुड़िए, और जुड़ करके आप अच्छा सफल हासिल कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, है ना। आपको कमेंट ये करना भाई कि आपको 10 में से कितना क्वेश्चन याद था, यही कमेंट हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। सब लोग कमेंट करेंगे, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, और आपको बेनिफिट दिया, वीडियो बेनिफिट दिया, फायदा दिया, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और डेली क्लास चलेगी 2 बजे, आप लोग जरूर आइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।